बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे आए महीने भर से का तकरीबन वक्त हो चला है। सरकार भी बन चुकी है मगर कांग्रेस अभी तक ना प्रदेश अध्यक्ष तय कर पाई है ना ही नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस नेता इसके लिए हाईकमान के आदेश का हवाला दे रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो नगर निगम के मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हल्द्वानी से रहे और वो चुनाव हार गए और चुनाव हारने की वजह से उन्होंने इस कृत्य को जो है अंजाम देने का काम किया। और जब लोग हल्द्वानी के विधायक हमारे सम्मानित साथी सुमित हृदयेश जी के पास गए और सुमित हृदयेश जी ने लोगों की बात सुनकर के और इस बीच टिहरी से एक बड़ी खबर आपको दे दें। जंगल की आग को लेकर अब वन विभाग हरकत में आ गया है। गढ़वाल मंडल के मुख्य वन संरक्षक ने यहां दौरा किया है, जंगल की आग रोकने के लिए इंतजामों का जायजा लिया है। अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये खबर जहां टिहरी में जंगल की आग को लेकर अब वन विभाग हरकत में नजर आ रहा है, इस बाबत गढ़वाल मंडल के मुख्य वन संरक्षक ने दौरा भी किया और जंगल की आग रोकने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। यहाँ पर टिहरी जनपद में वनाग्नि की दृष्टिकोण से जैसा आप जानते हैं काफी संवेदनशील है और इसके दृष्टिगत मैंने हमारे टिहरी वन प्रभाग द्वारा जो तैयारी की गई है वनाग्नि की रोकथाम के लिए उसकी जायजा लिया, उसका उचित निरीक्षण किया। यहाँ पर प्रभाग वन अधिकारी रेंज अफसर और जो स्थानीय वनकर्मी उनके साथ इंटरेक्शन किया है और जो जायजा मैंने लिया है ये पाया कि सभी वनकर्मी फुल अलर्टनेस में फील्ड में तैनात है, पूरी फोर्स के साथ हम लोग लगे हुए हैं। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की जो आग की घटनाएं वो कम हुई है परंतु हमें कंप्लेसेंसी नहीं होना है, यही मैंने स्टाफ को बोला है।